सिग्वाल जी, ये छठ घाट जातिवाद करते हैं, छठ घाट और राम मंदिर तरैया में बनाए हुए हैं, बाकी तरैया विधानसभा में उनके सिग्वाल 3 रुपये के बिस्कुट और राम मंदिर और छठ घाट, इसके सिवा कुछ नहीं। माहौल किधर देख रहे हैं, पूरा हाथ छाप में है, हाथ छाप में है। हाँ। और फूल वाले, फूल वाले का तो पता नहीं चलेगा। अरे इसमें कहना है आकाश बाबू जीत रहे हैं, आकाश बाबू जी, सिग्रीवाल जी, सिग्रीवाल जी। फिर तो आज के जो पंचायत के मुखिया हुआ करते थे वो छठ घाट बनाते हैं, तो क्या सिग्रीवाल जी मुखिया का चुनाव लड़े, काहे को एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ मारेंगे हम हाथ पे, निकाल के हम देख ला ही नहीं महाराज। इतना उम्र हो गया 10 साल का के हटे, हम चिंते नहीं उन करे के, हम खाली तेजस्वी के चिन्हता नहीं इन करे के, अब हाथ छाप उन करे के चिन्हता नहीं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मिजाज हम जान रहे हैं, यहाँ मुकाबला जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश सिंह के बीच है, और जनता जो है वो इस बार चुनावी रण में है, नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बाबूगढ़ आए जाओ बाबू, ना बाबू इज्जत भीतर रखवा तो ठीक रही। क्या माहौल इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, बदला तेजस्वी की रैली से बहुत 99% बदलने वाला है। जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन मतदान होगा वो दिन आप लोग खुद देख लीजिएगा। सिग्रीवाल से यहाँ के जानता तरह ही माम है, सिग्रीवाल जी यहाँ केवल छठ घाट बनाए है, एगो तरैया में राम मंदिर बनाए है, दूसरा विकास तो हुआ नहीं है। सिग्रीवाल जी छठ घाट, छठ घाट और राम मंदिर तरैया में बनाए हुए है, बाकी तरैया विधानसभा में उनके सिग्रीवाल 3 रुपये के बिस्कुट और राम मंदिर और छठ घाट, इसके सिवा कुछ नहीं। हाँ 3 रुपये का पार्ले जी, पूरा बाढ़ में 3 रुपये का पार्ले जी बांटे थे, पार्ले जी बांट के सब काम चला लेते हैं। हाँ पार्ले जी, बाढ़ में यहाँ के जनता तराई मम था, उस समय वो 3 रुपये का पार्ले जी लेकर घूम रहे थे और बोल रहे थे कि यही खाइए। इस बार आकाश भिड़े हुए हैं उनसे, आकाश जी एक चुनाव जीत चुके है, यहाँ पूरा महाराजगंज आकाशमय हो चुका है। हाँ आप बताइए। हाँ वही है। क्या नाम है? सत्यनारायण राय, सत्यनारायण राय। माहौल किधर देख रहे हैं? पूरा हाथ छाप में है, हाथ छाप में है। हाँ। और फूल वाले, फूल वाले का तो पता नहीं चलेगा यहाँ, फूल मुरझा चुका है महाराजगंज में, फूल पहले ही मुरझा चुका है, पूरा फूल मुरझा गया है पूरा। आकाश भैया का पूरा लहर है महाराजगंज में। हाँ पूरा नौजवान लोग, पूरा वोट हम लोग करेंगे हाथ के पंजा पे एकदम खुल के, 4 लाख वोट से जिताएंगे आकाश भैया को। क्या बाबा? हाँ के जीता था? अरे इसमें कहना है आकाश बाबू जीत रहे हैं, आकाश बाबू जी, सिग्रीवाल जी, सिग्रीवाल जी फेल, सिग्रीवाल जी फेल, सिग्रीवाल फेल, फेल। आपको क्या लग रहा है इस बार? आकाश जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे आकाश जी, भारी मतों से, बहुत भारी मतों से। अच्छा सिग्रीवाल काम वाम नहीं किए क्या कि नाराजगी है? सिग्रीवाल जी अड्डे बड्डे से उनको फुर्सत नहीं मिला तो क्या किया जाए? कोची से अड्डे बड्डे में खाली आए से उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है, अड्डे बड्डे। हाँ बस वही करते हैं खाली, केक काटते हैं। खाली केक काटने का काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए उनको लोग बोल रहे हैं जे कुछ आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, फुर्सत से केक काटिए, फुर्सत से केक काटिए। आकाश जी को आकाश में सब लोग भेज चुके हैं, जिता चुके हैं, जिता चुके हैं, भारी मत से जिताए हैं। हाँ हिंदू मुस्लिम, भाजपा जो पार्टी है हिंदू मुस्लिम करती है, और जो महागठबंधन इंडिया जो पार्टी है सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, और जहाँ तक कि विकास की बात है यहाँ पे सिग्रीवाल जी 10 सालों में एक भी काम नहीं किए हैं, उनका सिर्फ विकास है छठ घाट। तो आज के जो पंचायत के मुखिया हुआ करते थे वो छठ घाट बनाते हैं, तो क्या सिग्रीवाल जी मुखिया का चुनाव लड़े, काहे को एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं? तो इस बार महाराजगंज का जो मुकाबला होगा नतीजा किधर आएगा? बस आकाश जी चुनाव जीतेंगे। कितने से? 4 लाख से ज़्यादा से। 4 लाख से अधिक वोटों से? आप इनके बातों से सहमत है कि 4 लाख वोट से हरा? हाँ 4 लाख वोटों से आ गया है। 4 लाख वोट से हराइएगा आप लोग सिग्रीवाल? हाँ हाँ सिग्रीवाल को हराएंगे, हारने जा रहा है। क्या बहुत ज़्यादा वोट से हारने जा रहा है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी? लड़ाई में नहीं है, लड़ाई में है ये, नहीं है लड़ाई में नहीं है। कांग्रेसी हैं कि यहाँ की जनता है वोट करते हैं? हम लोग जनता हैं वोट करते हैं। अच्छा
अभी हम लोग को चुनाव चिन्ह मिला इसी पर हम लोग वोट करते हाँ। बताओ जी, जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी कुछ काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, हम आज तक उनका चेहरा नहीं देखे हैं, हमारे क्षेत्र में आज तक वो नहीं आए हैं, क्षेत्र तक हमारे आज में क्षेत्र तक नहीं आए हैं, उस लड़ाई में है ही नहीं है, नहीं है लड़ाई में। तो इस बार लड़ाई में कांग्रेस आकाश कुमार सिंह जीत रहे हैं। आकाश कुमार सिंह जी जीत रहे, कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्फिडेंस है, अब की पहला मेरा मत है एकदम जाके फर्स्ट टाइम वोटर जी मारेंगे हाथ से को सिग्रवाल के खिलाफ जी, सिग्रवाल और मोदी के खिलाफ भी, मोदी के खिलाफ मारेंगे हम हाथ पे, मोदी के खिलाफ हाथ पर। हाँ आप हम तो कहते नहीं, सिग्रवाल के हम देख लो ही नहीं महाराज, इतना उम्र हो गया 10 साल का के हटे, हम तो चिंते नहीं क्यों करे के, हम खाली तेजस्वी के चिन्ह तो नहीं इनकर के, अब हाथ छाप उनकर के चिन्ह हाँ बस जे महागठबंधन से हो इंडिया से हो चिन्ह तीन बाकी केहू के ना चिन्ह तीन हम जीती है ना काश हाँ एकदम जीती है हम झूठा पार्टी दस साल तक देखिए लिए बदलाव हुई बदलाव होगा पूरा आपकी महाराज गए से उखाड़ कर फेंक देना है सिग्रवाल को हाँ। आकाश भैया को एकदम जिताना है। चलो तो हम सबका झूठा पार्टी के सपोर्ट ना करें, झूठा पार्टी है अरे बीजेपी बीजेपी और का सारा बात झूठे बोलती है, कहती है साल में 2 करोड़ आदमी के रोजगार दे, हमको इतना आदमी के देलक है, चोर पार्टी है बीजेपी, आई बीएम से चोरा लेता वोट मर दे हाँ। कितना जगह सका फेसबुक पर देखे नहीं सही बीएम से वोट में चोरा लेवे ले हाँ। बड़का चोर पार्टी है हाँ वो बड़का चोर पार्टी है, और जौन जौन के नाम बा नरेंद्र मोदी वो तो साफा झूठा है, हर बात में झूठे बोले ला याद बटे उनका हम ढेर पहला 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ पहले के 2 लाख साल में 2 करोड़ आदमी के रोजगार दे, हमको एगो आदमी के मिलल 20 करोड़ लोग हाँ घंटा मिलल है कुछ ना मिलल है सब फेंक हटे हाँ। ओकरा बाद में है अथी वाला है उनसे कांड देखनी सही मणिपुर वाला तो कौन से केना बेकार इंसान बा हाथरस वाला कांड जो देखनी सब तब से समझ गनी से कि कोनो लायक नहीं है इंसान। तो अपनी बेरू कहता कि हम राम मंदिर बनवा दें हाँ। हम मुफ्त के राशन देता नहीं, मुफ्त का सुन ना मुफ्त के उहे खाला जो कुत्ता ना होकेला कुत्ता के हड्डी फेंक दो उमे अजुराई रही हमसे का कुत्ता नानू है सब मुफ्त में ना खाया सब हमसे के काम काज दो ना हमसे के काम काज दो नौकरी लगाओ बहन सरकारी लगाओ प्राइवेट लगाओ कोनो कंपनी ले आओ कई गो नौकरी आयल कई गो कंपनी आयल बताओ नौजवान क्या कर रहे थे बोल रहे हैं कि मतलब आप बोले कि कौ को झूठ उनका बताइएगा 15 लाख हर व्यक्ति के खाता में बोले थे देने के लिए वो झूठ जनधन खाता खुलवाए नहीं हमारे माता पिताजी खुलवाए थे 2 करोड़ रोजगार के लिए बोले थे रोजगार नहीं दिए खाली राम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं मंदिर से हमको क्या फायदा होगा कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवा वाला गमछा है ना हाँ। ये उनका ब्रांड है ना उनके पैदा होने से पहले से है उनका उनका पैदा होने से पहले से ही भगवा है हाँ। हमारे पूर्वज बहुत पहले से भगवा है उनका देन नहीं है भगवा ही हमारे पूर्वजों का देन है हाँ भगवा उनका नहीं है ये भगवा सब हिंदुत्व का भगवा है उनका नहीं है भगवा। तो सेकेंड टाइम जब वोट करोगे तब बिहार में सरकार बनाने के लिए करोगे जी तो बिहार में युवा राजद तेजस्वी प्रसाद यादव को हम वोट करेंगे 25 में किस लिए आप देख लीजिए 17 महीना में रोजगार दिए कंपनी का बात हुआ रोजगार का बात हुआ बहुत सारे काम किए नौकरी दिए 5 लाख आदमी को तो रोजगार तो मिल ही गया। चलिए आप नेताजी क्या बता रहे थे आप पूछिएगा तब ना बताएंगे क्या पूछना चाहते हैं। माहौल कुछ पीछे से आप बता रहे थे महाराजगंज का माहौल एकदम अब की बार रोजगार के नाम पे महंगाई के खिलाफ में इसी के मुद्दे पे महाराजगंज के युवाओं का मन बनाया है कि जो सरकार रोजगार देगी जो सरकार युवाओं की बात करेगी जो सरकार महंगाई के खिलाफ बात करेगी जो सरकार गरीब के घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर का 1100 का दाम 500 में करेगी उस पर वोट हो रहा है। सीधे बताइए महाराजगंज में जीतेगा कौन और कितने से जीता रही इसमें आपके 2.5 लाख वोट से आकाश सिंह पंजा छाप से 100% चुनाव जीतने जा साथ में है पूरा राजद वाले साथ में है महागठबंधन है राजद है पूरा राजद
पूरा रायत लगा है। सारा महंगाई ये मोदी जी बोला थे हे करेगा वो करेगा 10 लाख रुपया की 5 लाख देगा का दिया। महंगाई के सुनिए महंगाई के साफा सीमा के ऊपर लेके चल गया है मोदी जी। बोलिए मोदी जी ले गए कि नहीं है। यह बेरा कौनो प्याज भाई कौनो सामान बाजार में मार्केट में जाते हैं तो क्या मिलते हैं सारा महंग मिलते हैं। आधार कार्ड है अथी जोड़िए का सुनिए बाबा सुनिए मान तनी अथी सहारा का पैसा है सहारा का पैसा है स्कैमिज का पैसा है उसका खाता बंद कर दिया सील कर दिया पैसा गरीब के लड़का लोग गरीब आदमी मरता है खैला बिना फांसी लगा देता है बहुत लोग है। तो ये साल चुनौवा के साल है चुनौवा के नहीं 10 साल में बोला से मोदी जी है करेगा हो करेगा क्या किया मोदी जी बोलिए मोदी जी क्या किया। तो इस बार 5 साल के लिए फिर चुनिएगा आप लोग ये सरकार में कुछ वो महंगाई की पूंजीपति की सरकार है पूंजीपति की सरकार है ये गरीब के और मुआता है। महाराजगंज में सिग्रीवाल से लड़ाई आकाश सिंह सिग्रीवाल का आज चले हम लोग देखा चेहरा 10 साल में नहीं देखा सिग्रीवाल का चेहरा नहीं देखा से हम आज चले थे कैसा चेहरा है। आकाश सिंह तो 4 बार हम लोग से मिल लिया आकाश सिंह 4 बार मिल लिए हाँ हाँ 4 बार हम लोग घर घर मिल लिए सिग्रीवाल जी आज तक देखा नहीं है। तो आकाश जीतेंगे सिग्रीवाल और आकाश सिंह अंतर से देख रहे हैं आकाश सिंह बहुत बढ़िया है भाई 2.5 लाख 3 लाख से वोट से जीते गए ठीक कर रहे हैं और हम तो उखाड़ को फेंक देंगे मोदी जी को क्या समझते हैं दुनिया तो उखाड़ को फेंक दीजिए मोदी जी को क्या है मोदी जी भगाओ धंधा मचाओ काहे फायर हो गए मोदी जी से है काम किया है इसीलिए काम किया है वो ज्यादा काम कर दिए हैं 75,000 स्कूल के लड़का लोग आज मैंने काम पे बैठा है कोई बीएड किया है सुनिए सहारा में बोलिए फिक्स किया सहारा में हम लोग फीस किया बहुत गरीब के लड़का फीस किया थे हमारा शादी ब्याह है लड़की के शादी है लड़का का शादी है हम खैला भी मेरा मरता है उसका सहारा में पैसा नहीं मिलता है स्कैमिस के वह हाल है मोदी जी के देन है मोदी जी ने उसका खाता सील कर दिया तो पैसा कहीं नहीं दिवाते हैं पैसा तो दिलाना चाहिए। आप भी कुछ लगाए थे क्या जी उम्मीद से जी पैसा भी आप भी जमा किए थे का 2.5 लाख से है बैंक में जमा किए हैं 3 डबल डूब गया डूब गया कहाँ मिलता है जो दिन में हमने कमाया पैसा रख दिया सारा बैंक में चला गया बेटी का साथ नहीं होता है लड़कों का पढ़ाई लिखाई नहीं होता है मोदी जी साफा देश के सतातल में चौंपा दिया ठीक है। तो ये महाराजगंज की जनता है जिसे आप सुन रहे थे। इस बार महाराजगंज में मिजाज चुनावी है आकाश सिंह के पक्ष में लोग गोलबंद हुए हैं सिग्रीवाल से नाराजगी है कि वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें धन्यवाद।